मम नाम संजीदा एलपीएम पब्लिक स्कूलम सर्वेशाम हार्दिकम स्वागतम। प्यारे बच्चों, आज हम सब अपनी पाठ्यपुस्तक संस्कृत रत्नम के द्वादश पाठ, प्रकरण है क्रीड़ा क्षेत्रम नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। तो प्यारे बच्चों, चलिए आज की कक्षा आरंभ करते हैं। क्रीड़ा क्षेत्रम, देखिए बच्चों, इसमें विद्यालय में एक खेल का मैदान है, उसके बारे में बताया गया है। क्रीड़ा क्षेत्रम, क्रीड़ा क्षेत्रम का अर्थ होता है खेल का मैदान। इदम् विद्यालयस्य क्रीड़ा क्षेत्रम अस्ति। इदम् का अर्थ होता है यह, विद्यालय क्रीड़ा क्षेत्रम खेल का मैदान अस्ति है। यह विद्यालय के खेल का मैदान है। क्रीड़ा क्षेत्रम अतीव सुंदरम अस्ति। खेल का मैदान अत्यंत सुंदर है। एकत्र छात्राः पादकंदुकेन क्रीडन्ति। एकत्र का अर्थ होता है एकत्रित होकर। सभी बच्चे एकत्रित होकर पैरों से फुटबॉल खेलते हैं। क्रीडन्ति खेलते हैं। अन्यत्र बालिकाः पुष्पै खेलन्ति। अन्य सभी बालिकाएं फूलों से खेलती हैं। निर्णायकः ध्वजेन जय पराजयम् सूचयति। जो निर्णायक होता है वो हार और जीत की सूचना देता है। क्रीड़ा शिक्षकः सूचनार्वेण क्रीड़ा कालः समाप्तः इति संकेतम् करोति। जो खेल के शिक्षक होते हैं वो खेल के समाप्त होने का संकेत सीटी बजाकर करते हैं। छात्राणां गमनांतरं स्वच्छकारः आगत्य मार्जन्या क्षेत्रं स्वच्छं करोति। बच्चों के चले जाने के बाद सफाई कर्मी आते हैं। स्वच्छकारः का अर्थ होता है सफाई कर्मी। आगत्य आकर मार्जन्या झाड़ू क्षेत्रं स्वच्छं करोति। छात्रों के जाने के बाद सफाई कर्मी आकर झाड़ू से उस क्षेत्र को साफ करते हैं। द्रोण्या जलम सिंचति। द्रोण्या का अर्थ होता है बाल्टी। बाल्टी में जल लेकर सींचते हैं। सायंकाले छात्रा मित्रैः सह पुनः क्रीड़ा क्षेत्रम आगच्छन्ति। सायंकाले, इसका अर्थ होता है शाम के समय, बच्चे अपने मित्रों के साथ, सह का अर्थ होता है साथ, पुनः फिर से खेल के मैदान में आते हैं। छात्रावासस्य छात्राः पदभ्याम क्रीडनार्थम आगच्छन्ति। छात्रावास से बच्चे, पदभ्याम का अर्थ होता है पैदल, पैदल खेल के मैदान में आते हैं। नगरस्य छात्राः यानेन क्रीड़ा क्षेत्रम आगच्छन्ति। नगर से बच्चे, यानेन का अर्थ होता है गाड़ी से, गाड़ी से खेल के मैदान में आते हैं। बालिकाः पित्रा सह आगच्छन्ति। आगत्य रज्वा क्रीडन्ति। पित्रा का अर्थ होता है पिता। लड़कियां पिता के साथ आती हैं, आकर रस्सी से खेलती हैं। तो बच्चों, इसके अर्थ आप सभी के समझ में आ गए। आप सब इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसके कुछ अभ्यास के प्रश्नों को देख लीजिए। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। छात्रा केन क्रीडन्ति, केन की जगह आप लिखेंगे पाद कंदुकेन। छात्राः
पाद कंदुकेन क्रीडन्ति। निर्णायकः केन जय पराजयम् सूचयति। निर्णायक किससे हार जीत की सूचना देता है, केन की जगह आप लिखेंगे ध्वजेन। छात्रावासस्य छात्राः कथम् आगच्छन्ति, कथम की जगह आप लिखेंगे पदभ्याम। छात्रावास से बच्चे कैसे आते हैं, पैदल आते हैं। बालिकाः केन सह आगच्छन्ति, केन की जगह आप लिखेंगे पित्रा। बालिकाः पित्रा सह आगच्छन्ति। दूसरा है एतेषां वाक्यानां अर्थं लिखत। संस्कृत में वाक्य दिए हुए हैं, इनके अर्थ को आपको लिखना है। अनुजः हस्तेन जलं पिबति, आप लिखेंगे अनुज हाथ से पानी पीता है। सः नयनाभ्यां पश्यति, वह आँखों से देखता है। शिशु लता भी क्रीडति, बच्चा लताओं से खेलता है। मालाकारः जलेन वृक्षान् सिंचति, माली पेड़ों को पानी से सींचता है। सेवकः वस्त्रेण यानं स्वच्छं करोति, नौकर कपड़े से गाड़ी साफ करता है। इसके बाद है तीसरा प्रश्न, अधोलिखित शब्दानां तृतीया विभक्ते रूपं लिखत। इसमें कुछ शब्द दिए हुए हैं, इन्हें आपको तृतीया विभक्ति में लिखना है। जैसे पाद कंदुकम, इसका तृतीया विभक्ति होगा पाद कंदुकेन। पुष्पम अकारांत है तो आप लिखेंगे पुष्पेड़। ध्वज ध्वजेन, सूचना रवः सूचना रवेण। ज्ञानम ज्ञानेन, मार्जनी मार्जन्या। लता लतया, ये अकारांत है इसलिए इसका जो तृतीया विभक्ति होगा वो लतया होगा। जलम जलेन, पादौ पादाभ्याम, जलम में अकारांत है तो जलेन। नयनो नयनाभ्याम, हस्त हस्तेन, वस्त्रम वस्त्रेण, रज्जु रज्ज्वा। इसी प्रकार चौथा देखिए, तृतीया विभक्ति के पद को लिखकर वाक्यों को पूरा करना है। बॉक्स में कुछ शब्द दिए हुए हैं जो कि तृतीया विभक्ति में है, इन्हें आपको लिखकर वाक्य पूरे करने हैं। चलिए वाक्य पूरे कीजिए। बालकः डैश डैश क्रीडति, बालक कैसे खेलते हैं, बालकः कंदुकेन क्रीडति, बालक फुटबॉल से खेलते हैं। जनकः आपणं गच्छति, इसमें हो जाएगा पुत्रेण सह, जनकः पुत्रेण सह आपणं गच्छति, पिता पुत्र के साथ आते हैं। सह खादति, इसमें हो जाएगा मुखेन, वह मुख से खाता है। मालाकार पुष्पये मालां निर्माति, मालाकार जो माला बनाते हैं, कैसे माला का निर्माण करते हैं, फूलों से, पुष्पये। छात्र द्विचक्रिकया विद्यालयं गच्छति। इसके बाद पांचवा है, संस्कृत में आपको अनुवाद करने हैं, ठीक है बच्चों। वह मित्रों के साथ खेलता है। चलिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं, पांचवा है संस्कृत में अनुवाद। इसका क आप लिखेंगे स मित्रय स क्रीडति। इसका पीडीएफ भेज देंगे बच्चों, आप सभी अपनी फेयर कॉपी कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।